एक अलंकार 10 थाट 12 स्केल। एक ऐसा कॉन्टेस्ट है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक टेक्निक है जो मेरे पिता गुरुजी ने मुझे कही कि मैं आप सभी तक पहुँचाऊँ, जो मैं पहुँचा रहा हूँ, कि एक ही अलंकार आपको लेना है, सारे गम पद निशा, और उसको आपको दसों थाटों में एक करके एक, एक करके एक बजाना है। जैसे पहले बिलावल में, फिर भैरवी में, फिर कल्याण में, ऐसे करते करते दसों थाटों में बजाना है। और उसके बाद आपको यही काम हर स्केल से करना है, और वो भी बिना रुके ये काम होना चाहिए। तो इसका छोटा सा क्लिप तो मैं खुद भी बजा के आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ कि कैसे ये होता है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे हमें हर एक स्केल से, हर एक थाट में, हर एक अलंकार को, एक ही अलंकार को कैसे बजाना है। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, द सिंगर्स कंपेनियन, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए घर बैठे आप बॉलीवुड, इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक, वेस्टर्न, हर प्रकार का संगीत सीख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी अपना मोबाइल उठाइए और डाउनलोड कीजिए इस बेहतरीन एप्लीकेशन को और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। सारे मदा सा सारे धनी नि पग म पग म रे सा, तू मैं तू हो गया हूँ, तेरे होने से मैं हो गया हूँ, हो गया हूँ, हो गया हूँ। तू मैं तू हो गया हूँ, तेरे होने से मैं हो गया हूँ। एक बहुत ही आध्यात्मिक, अगर आप गौर से अगर इसके शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें तो आपको मालूम चलेगा कि बड़े ही आध्यात्मिक इसके शब्द हैं, और साथ ही साथ आप इसे रोमांटिक वे में भी देख सकते हैं, है ना, कि दो जिस्म एक जान हो गए हैं। तो मेरे पिताजी का लिखा हुआ एक बहुत ही पुराना गीत है, हम लोगों ने बहुत पहले गाया था इसे, तो आप ज़रूर सुनिएगा। थोड़ा सा राग अड़ाना का इसमें टच है, प्रॉपर नहीं है पर हाँ थोड़ा बहुत टच है, बहुत अच्छे इसके शब्द हैं। तो आइए फिर से बात करते हैं उसी टॉपिक पर, उसी कॉन्टेस्ट पर, उसी एक्सरसाइज पर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो है एक ही अलंकार को आपको 10 थाट में एक के बाद एक बजाना है, फिर उसी को अलग अलग स्केल से भी बजाना है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पहले बनाया था, आप उसको भी देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है, तो आपको और अच्छा लगेगा समझने में, है ना, कि कैसे हम एक ही अलंकार को बजा सकते हैं। अब इसके लिए पहले आपको एक चीज़ करनी ज़रूरी है, वो अगर आपने नहीं की है तो मैं ये समझूंगा कि आप थोड़ा सा आलस कर रहे हो और इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट यही एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो वो सारी चीज़ें छोड़कर, जबकि वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान है। क्यों? वो जो चीज़ है वो ये है कि स्वरांगिनी, द म्यूज़िक बुक ऑफ संगीत प्रवाह वर्ल्ड, जो कि मेरे पिताजी के द्वारा संकलित की गई है, उन्होंने उसमें चीज़ें रची हैं, उसमें चीज़ें अलग अलग गुणीजनों से इकट्ठी करके एक अच्छी सी एक किताब बनाई है, जिसमें कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड। आप बड़ा ख्याल, अलंकार, छोटे ख्याल, बंदिशें, तराने, लक्षण गीत, थाट, स्केल, तालें, जो कुछ आप बोलो वो सब इसमें अवेलेबल है। अलंकार बोल लो या प्रश्न उत्तर बोल लो, कि आपको अलग अलग रागों के प्रश्न उत्तर चाहिए, परिचय चाहिए, सब उसमें अवेलेबल है। परिभाषिक शब्द उसमें सारे अवेलेबल हैं जो कि किताबों में मिलते हैं। तो एक ग्रंथ है एक तरह से अपने आप में, अगर आप उसको देखें तो, और अगर उसे खरीदना चाहें तो उसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए। तो उसमें एक चीज़ दे रखी है जो कि है, उसमें 10 पेज के अलंकार हैं, इसमें बहुत सारे अलंकार हैं, अलग अलग पलटे हैं जो 10 पेजों में डिवाइडेड हैं। उन्हें हम लोग, हमारा सिलेबस है, मेरे पिताजी का बनाया हुआ ही सिलेबस है, कि अगर उन अलंकारों को पहले एक थाट में, फिर उन्हीं सभी अलंकारों को दूसरे थाट में, फिर उन्हीं सभी अलंकारों को तीसरे थाट में, ऐसे करते हुए उन्हीं सभी अलंकारों को, लगभग 80 अलंकार हैं वो, उन्हें अगर, उन 10 पेजों को अगर आप 10 थाटों में बजाते हैं अच्छे से, तो देखिए थाट ऐसे रट जाएंगे आपकी उंगलियों में, कि आपको हर थाट में मालूम होगा कि भाई ये बिलावल थाट में बजाना है, तो एकदम उतनी ही फुर्ती से और वही फुर्ती से आप किसी दूसरे थाट में भी बजा सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि किसी और थाट में आए तो हाथ अटक रहा है ना। और वही काम आपको एक नहीं 12 स्केल से करना है, अलग अलग 12 स्केल होते हैं जहाँ से आपको बजाना आना चाहिए। 5 कालियां हैं, 7 सफेद हैं, वहां सभी जगह से आपको ये सारा काम करना है। तो टोटल 10 पेज इन 10 थाट ये हो जाते हैं 100 पेज, और यही 100 पेज 12 जगह से बजाओ तो ये हैं 1200 पेज। तो ये 1200 पेज का जो हमारा एक तरह से एक जाल है, इस जाल से जो निकल जाता है, फिर उसका हाथ देखिए, फिर
बवाल है उसका हाथ, है ना, अगर जो इस जाल से निकल गया तो, है ना। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो ही जाके ये टेक्निक आपको करने का हक है मेरे हिसाब से तो, है ना, कि एक ही अलंकार आपको सब जगह से बजाना है। लेकिन अगर फिर भी ये भी नहीं करें आप, अगर थोड़ा सा आलस दिखा जाएं, आप कहें नहीं यार मैं 1200 पेज छोड़ो, एक ही अलंकार को सब जगह से कर लेता हूं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमारा क्या, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका हाथ हर स्केल से चलने का आदि हो जाएगा, हर थाट में चलने का आदि हो जाएगा और बेहतरीन उंगलियाँ आपकी दौड़ उठेंगी, है ना। तो ये करिए, ये एक टेक्निक है जिसको आप अभ्यास कीजिए, जिसका रियाज कीजिए। और ये कॉन्टेस्ट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका अगर आप हमें वीडियो बना के भेजते हैं तो हो सकता है जिसमें हमें कोई भी एक मिस्टेक ना लगे, जो हमें लगे कि नियर परफेक्ट है या फिर ये कहे कि परफेक्ट ही है, उसे हम हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। 6 लाख की पब्लिक में वो वीडियो आपका जाएगा और आपको आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा यहाँ तक के, और हो सकता है कुछ प्राइज मनी भी दे दी जाए, क्योंकि गुरु जी जो हैं, पिता गुरु जी हैं, बड़े दिलदार हैं, हो सकता है उनको अगर भा जाए तो उस वीडियो को इनाम भी दे दिया जाएगा, है ना। तो ज़रूर पूरा वीडियो देखो, मैंने लास्ट में वो खुद भी बजा के आपको छोटा सा बताया हुआ है, तो उसको अच्छे से देखो और ऐसा ही आपको करके भेजना है, ठीक है। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, कुछ ना कुछ हम नया लाते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया आपको, 10 थाट, 12 स्केल और एक ही अलंकार, है ना। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी मैं एक और बार समझा देता हूं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में इस बार वीडियो बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पहली काली है, है ना। यहाँ से हम अगर शुरुआत करें, वैसे आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आपको तीसरी काली से शुरू करना चाहिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है 12 स्केल जो है फ्लो में बजा पाएंगे। वैसे आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो आगे चला जाएगा, है ना, क्योंकि हम एक ही अलंकार बजा रहे हैं, तो सब तक का भी कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सा से ये सा बनता है, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आप अगर यहाँ से भी शुरू करें तो क्या काम करना है, एक अलंकार सारे गम पद निशा, क्या जाएगी लय। लय वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तेज़ हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि एकदम स्लो में तो वैसे भी आप बजा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट होगा तो एटलीस्ट हाथ में कुछ बात आएगी, है ना। कैसे जाएगा, ये मिनिमम लय बता रहा हूँ आपको, इससे तो तेज़ी रखिएगा, है ना, वरना क्योंकि आपको 12 स्केल से 10 थाट बजाने तो थोड़ा टाइम भी लगेगा ना उसमें, और जो मैं वीडियो चाह रहा हूँ आप लोगों से वो थोड़ा छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि लोगों को देखने में भी ऐसे बोरियत महसूस ना हो और एक थोड़ा चमत्कार भी दिखे कि आप कुछ एक ऐसी चीज़ बजा रहे हैं तो थोड़ी चमत्कारिक है। एक के बाद एक थाट बदलेंगे, एक के बाद एक स्केल बदलेंगे। तो एक बार मैं 10 थाट बजा के बजाता हूँ यहाँ से आपको, कैसे जाएगा वो थाट आपको पता ही है। तो ये 10 थाट आपने देखा, ऑर्डर हमने स्वरांगिनी वाला रखा है यहाँ पे, बिलावल, भैरवी, कल्याण, भैरव, काफी, खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, है ना। थाट का ऑर्डर वैसे आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, लेकिन वही ऑर्डर हमेशा रहे तो एक सेम जो सिमिलैरिटी बनी रहेगी तो एक अच्छा रहेगा। अब एक यहाँ से हो गया, उसके बाद तुरंत आपको स्केल चेंज करना है ना, तुरंत एक आगे स्केल और वहाँ से वही 10वां थाट बजने चाहिए। अब जैसे अब देख लीजिए यहाँ से क्या थाट बनते हैं, एक बार आराम से स्लो में प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, उसके बाद आप स्पीड में करेंगे तो चलेगा। ये बिलावल बना, ये भैरवी बना, ये कल्याण, ये आपका भैरव गया, ये काफी हुआ, ये खमाज, ये आपका असावरी, ये आपका मारवा गया। अब देखने वाली बात यही है, वही है, अब थाट में तो पंचम लगता है तो आपको लगाना ही पड़ेगा साथ में। अब अगला आपका पूर्वी है, फिर तोड़ी, तो ये अब एक के बाद एक आपको कोशिश करनी, हो सकता है आपको लय कम करनी पड़े, है ना, और उसके बाद करना पड़े तो एक ऐसी लय रखिएगा जिसमें कि आप ये सारे थाट बजा सकें। फिर यहाँ से आप देखिए दूसरी काली से अगर हम बजाते हैं तो ये बिलावल था, भैरवी, ये कल्याण था, ये भैरव, ये काफी, ये खमाज,
ये आसावरी, ये मारवा, ये पूर्वी, ये तोड़ी। तो ऐसे आपको अभी, खैर मैं तो ब्रेक्स में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये काम आपको रेगुलर करना है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मतलब वक्त इन द सेंस कि इसका जो वीडियो बनेगा या ऑडियो बनेगा, जो रिकॉर्ड बनेगा, वो छोटा बनेगा अगर आप इस लय में बजाते हैं, क्योंकि एक ही अलंकार आपको एक के बाद एक के बाद एक स्विच करके बजाना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तो है लेकिन रियाज करने के बाद मुश्किल नहीं। अगर आपने अच्छे से रियाज किया तो ये आसान काम है, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन की बात है, थोड़े से अभ्यास की बात है, फिर देखिए बड़ी ये कमाल एक चीज़ साउंड करेगी और आपका हाथ भी बेहतरीन हो जाएगा। फिर है कि किसी भी स्केल से कभी भी कुछ भी आ गया तो आप बजा सकते हैं, ऐसा नहीं आपको स्केल चेंजर के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, या फिर किसी की संगत करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना पड़ेगा, अरे यार यहाँ से तो मैं बजा नहीं पा रहा, या फिर ये नहीं होगा कि इस स्केल से मैं कंफर्टेबल हूँ आप भी इस स्केल से गा लीजिए, ऐसा नहीं हो। सिंगर के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करें, ना कि सिंगर आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, है ना, वो नहीं होना चाहिए। या फिर जो कीबोर्ड्स में ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है उसका आपको इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है किसी सिचुएशन में एकदम अचानक यूज़ करना पड़ गया तो ठीक है एकदम से, लेकिन हो सके जितना आप कोशिश करें आपके हाथ पर ही आप निर्भर रहें, आपके अभ्यास पर आप निर्भर रहें, ठीक है। देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभाव वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड कॉमेंट्स में बताएं कि आप क्या चाहते हैं।